अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मुर्गी की टांग, जो बहुत ही मज़े की बनती है। आज आपको मैं इसका तरीका बताऊंगी कि कैसे बनाना है और इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने जो मुर्गी की टांग थी वो अच्छे से है ना इसे धो दिया है, बिल्कुल साफ़ तरीके से इसे धो देना है। अब इसके अंदर है ना हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के हमें इसे 15 मिनट तक उबाल लेना है। 15 मिनट उबालने के बाद जब देखिए कि मुर्गी की टांग अच्छे से गल चुकी है, तब आप इसे ठंडा पानी डाल के फिर इसका जो छिलका है आपको इसे अच्छी तरीके से रिमूव कर देना है, निकाल लेना है। बहुत ही ईजली वो निकल जाएगा 15 मिनट अगर आप उसको अच्छी तरीके से उबालोगे तो। बिल्कुल इस तरीके का आपको करना है। तो यहाँ पूरी जो मुर्गी की टांग है वो पूरी अच्छी तरीके से छिल चुकी है। अब मसाला रेडी करेंगे। यहाँ मैंने 3 प्याज को बारीक काटा है, पतला पतला। अभी लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और प्याज लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और फिर हम यहाँ पर थोड़ा टमाटर का भी पेस्ट ले लेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर को पेस्ट बनाया है, 2 टमाटर का। अब यहाँ पे हम एक पतीली में तेल डाल देंगे। फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च और अब प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें तब तक करना है जब तक कि अच्छी तरीके से लाल हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्याज लाल हो जाएगा, अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले जो हमने पीसे थे। मसाले डाल के हमें अच्छी तरीके से मसाले को 10 मिनट तक हमें अच्छी तरीके से भूनना है मीडियम फ्लेम पे। जैसे 10 मिनट हो जाएगा इसके अंदर हम और मसाले डालेंगे। जैसे कि इधर डालूंगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है। मेरे पास अच्छी धनिया थी, उसे मैंने भिगा के पीस लिया था, तो आप धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसे हल्का सा पानी डाल के हम भून लेंगे। फिर 1 मिनट बाद हम इधर टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगा के छोड़ देना है, बीच बीच में चलाते रहना है, बस मसाला पकड़े ना। और फिर हम इसे ढक के रख देना है जब तक इसका तेल ऊपर ना छूट जाए, तब तक हमें मसाला अच्छी तरीके से भून लेना है। फिर हमें देखना है कि हमारा मसाला हो चुका है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक आपका स्वाद अनुसार होना चाहिए कि आपको कितना नमक चाहिए। अब इस मसाला तो अच्छी तरीके से भून चुका है, यहाँ हम मुर्गी की टांग ऐड कर देंगे और फिर इसे मसाले में मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रहने देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह टांगों में लग जाए। और फिर इसके ऊपर मैं 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने इधर भर के थोड़ा धनिया डाला है, इससे कैसे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, तो धनिया आपको डालना है। फिर पानी आप इसके अपने हिसाब से डालेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा पानी रख रही हूँ क्योंकि ये जितना सुरवा टाइप रहता है, लाइक जैसे बहुत पतला रहता है सूप टाइप, वो उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन आप ठीक भी रखना चाहते हैं तो रख लेना, लेकिन आप थोड़ा पानी ही रखना तो ही इसका टेस्ट खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो पानी उबलने लगा हमारा, ऑलमोस्ट चिकन जो है, टांग जो है मुर्गी की, वो रेडी हो चुकी है। अब इसे 10 मिनट तक रेस्ट देना है, फिर आफ्टर 10 मिनट्स हम इसे सर्व करेंगे। बड़े ही मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि कैसी बनी ये रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी आपसे मैं शेयर करती हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी ज़रूर बनाना और इसी स्टाइल में बनाना। आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, बड़े ही मज़े का बनता है। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।